हेलो एंड वेलकम टू द क्वांट केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री की सीरीज़ के अंदर लास्ट वीडियो में हमने हर्मिशियन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम हर्मिशियन ऑपरेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑपरेटर है वो हर्मिशियन होगा या नहीं होगा। तो आज हम हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हर्मिशियन ऑपरेटर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें। तो इस वीडियो को मैं ऊपर आई बटन के अंदर पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो। सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जो आइगन वैल्यू होती है हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, कि आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर रियल। जो हर्मिशियन ऑपरेटर्स की जो आइगन वैल्यूज होगी वो ऑलवेज क्या होगी, रियल होगी। आइदर ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट ये कभी भी इमेजिनरी नहीं होगी, मीन्स इसके साथ कभी भी आयोटा नहीं आएगा। तो यही क्या है जो हम अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर है ये, यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कि रियल वैल्यूज का मतलब ये होता है कि वो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक होती है, कि उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक वैल्यूज होती है वो हमें डिटरमाइन करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिटरमाइन किया जा सकता है, यही इसका मतलब। क्योंकि ऑपरेटर का मतलब तो यही होता है ना, जब हम किसी ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यूज देगा। जैसे मोमेंटम ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, तो वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो हर्मिशियंस होते हैं ना, तो हर्मिशियन ऑपरेटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए रियलिस्टिक वैल्यू, और हम ये बोल सकते हैं दैट द फिजिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट ऑपरेटर कैन बी डिटरमाइंड। वो वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं और वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, रियल वैल्यू होती है वो। अगर वो रियल वैल्यू नहीं होगी तो हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यही है कि आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर रियल। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है वो ये होती है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन के अंदर अगर हम देखेंगे, तो अगर हमारा ए अगर ऑपरेटर है, एफ अगर फंक्शन है, तो ये हमारा जो ए है वो उसकी होती है आइगन वैल्यू, और जो साई होता है वो होता है हमारा आइगन फंक्शन। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन का मतलब यही होता है, अगर हम किसी ऑपरेटर को अगर किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें और वो फंक्शन हमें वापिस मिल जाए, तो जो उसके कांस्टेंट की जो टर्म होगी ना वो आइगन वैल्यू होगी, और यही आइगन वैल्यू जो होती है वो उस ऑपरेटर की वैल्यू होती है। ठीक है, मीन्स जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं, या फिर जो फिजिकल वैल्यू भी लिख सकता हूँ ऑफ ऑपरेटर। जो हम ऑपरेटर अगर आप मोमेंटम अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो जो ए आई का वो मोमेंटम की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे साई अगर आपका आइगन फंक्शन है, तो अगर आइगन फंक्शन नहीं है तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि वो उसकी फिजिकल वैल्यू आएगी। ऐसे यहाँ पे अगर ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा तो उधर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हैमिल्टोनियन है तो वो टोटल एनर्जी आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना कि एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। तो ई जो होती है ना वो फिजिकल वैल्यू होती है एसोसिएटेड टू दिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो यही हमारी आइगन वैल्यू होती है। तो आइगन वैल्यू हमारा यही होता है, तो आइगन फंक्शन। तो अगर हमारे पास ये अगर आइगन वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करेंगे, तो फंक्शन वो हमारा पहला क्या होना चाहिए, आइगन फंक्शन होना चाहिए। तो साई शुड भी क्या होना चाहिए आपका,
आइगन फंक्शन होना चाहिए, साई आइगन फंक्शन होगा, और ए जो होगी वो इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। अब हमें पता है कि अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, कि इस प्रॉपर्टी को, साई स्टार ए साई शुड बी इक्वल टू साई ए साई स्टार, ये इसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम लेके चलते हैं कि ए साई इज इक्वल टू ए साई, ठीक है, ए ऑपरेटर, अब अगर हमें अगर इसको अगर ये बनाना है, तो अगर हम इसको अगर ये बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे साई स्टार नहीं है यहाँ पे, तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं, और साई स्टार से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा ए साई आ जाएगा, इधर भी हमारा साई स्टार, क्योंकि साई स्टार लिख दिया हमने, ठीक है। और रियल वैल्यू अगर हमें प्रूव करनी है तो रियल वैल्यू प्रूव करने के लिए हमें एक चीज प्रूव करनी होती है कि अगर हम उस किसी वैल्यू का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके चलते हैं और वो उसी के इक्वल आ जाए, कि ए स्टार इज इक्वल टू ए आ जाए, तभी हम उस वैल्यू को, ए को क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। तो मीन्स अगर हमारा मान लो ए अगर इमेजिनरी है, तो अगर मैं 2 + 3 आयटा लिखता हूँ, इसका अगर मैं स्टार करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2 - 3 आयटा। अब ये तो मतलब 2 + 3 आयटा स्टार नॉट इक्वल टू आ गया ना 2 + 3 आयटा के, तो ये रियल नहीं होगा, क्योंकि रियल अगर अगर इमेजिनरी है तो इसका आयटा का साइन चेंज होगा। अगर वहीं पे अगर हम इसको अगर रियल लिखें, अगर हम इसको अगर रियल वैल्यू लिखते हैं हम, तो रियल वैल्यू लिखने से क्या होगा कि मान लो अगर 2 अगर 3 है, 3 ये रियल वैल्यू है, तो 3 का अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब ये जो ए है ना वो रियल वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी होगी। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम इस प्रोसीजर को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि ए स्टार इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन के अंदर ए स्टार भी आना चाहिए और ए आना चाहिए। अब अगर हमें हर्मिशियन ऑपरेटर दे रखा है तो हम कहीं ना कहीं हर्मिशियन ऑपरेटर का यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हर्मिशियन प्रॉपर्टी ये है और ये आइगन वैल्यू इक्वेशन दोनों का यूज करना है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर इसको अप्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारा साई स्टार है, ए है, तो अगर मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि इंटीग्रेशन भी तो चाहिए ना भैया हमें, डी टाउ इज इक्वल टू ए साई स्टार साई डी टाउ, ठीक है, क्योंकि ए कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब अगर ये अगर हर्मिशियन है तो हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको कि साई ए साई स्टार, ये यहां से आया है कि हम इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये हमारा ए साई स्टार साई टाउ। अब ए साई है, साई स्टार है, तो ये आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू इक्वेशन से अगर हम ऊपर अगर इसको हम अगर वापस अगर हम पुट कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कि हमारा ये बन जाएगा साई स्टार, नहीं सॉरी, साई है हमारा यहाँ पे, ये साई है और ये अपना बन गया ए साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए साई साई स्टार डी टाउ। अब अगर हम इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो ए स्टार आ जाएगा हमारा, साई स्टार आ जाएगा, साई आ जाएगा, डी टाउ आ जाएगा, ए साई साई स्टार डी टाउ। अब ये हमारा कॉन्स्टेंट है साई स्टार, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, तो ये दोनों देखो ये दोनों सेम है हमारा, ये भी और ये भी, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो या फिर अगर ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है तो हम इसको बोल देंगे ये सेम वेव फंक्शन है, तो ये ऑर्थोगोनल भी होगा, सॉरी नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो हम साई 1 लिख देंगे इसको, या फिर इसका अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वैल्यू दोनों सेम आएगी, तो सेम वैल्यू आएगी तो हमारा क्या बच गया, ए स्टार इज इक्वल टू ए। तो ए स्टार इज इक्वल टू ए आने का मतलब क्या हो गया कि जो ए है ना, ए इज रियल वैल्यू, ए क्या है हमारा, रियल वैल्यू है। तो आइगन वैल्यू क्या होगी हमारी, एसोसिएटेड विद हर्मेशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया।
एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। तो ये यहाँ से है ना, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है, और ये डायरेक्ट हमारा क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। वहां पे हमें ये लिखा होगा कि आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल, इमेजिनरी, इनफाइनाइट या कुछ भी करके हमें ऑप्शंस वहां पे दिए होंगे, विच कैन नॉट भी हो सकता है, तो इमेजिनरी नहीं होगा, रियल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो इससे रिलेटेड है, वो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अभी तो हमने आइगन वैल्यू की बात कर ली, अब हम बात करेंगे आइगन फंक्शंस। आइगन फंक्शन मीन्स टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, ठीक है? अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज वो दे रहे हैं तो उनके जो आइगन फंक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें दो डिफरेंट आइगन वैल्यू है, तो डिफरेंट आइगन वैल्यू इसका मतलब क्या, डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो जो वेव फंक्शन है वो भी क्या होगा, डिफरेंट आइगन फंक्शन होगा हमारे पास, डिफरेंट आइगन फंक्शन होगा। तो डिफरेंट आइगन फंक्शन मीन्स दो आइगन फंक्शन मान लेते हैं हम, साई वन और साई स्टार साई टू। दो अगर हम वेव फंक्शन मानेंगे तो हम साई वन और साई टू अगर हम लेके चलेंगे तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारा ए कोई ऑपरेटर है, अगर ये साई वन लेके चलता हूँ तो इससे कोरिस्पोंडिंग जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी ये बनेगी, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ए साई टू ए टू। अब यहाँ पे ए वन और ए टू है ना वो इक्वल नहीं है, बट ठीक है हाँ। और एक चीज़ और, ए वन स्टार इज इक्वल टू ए वन होगा और ए टू स्टार इज इक्वल टू ए टू होगा, क्योंकि ये वैल्यूज क्या होती है, रियल होती है, ये हमने पीछे प्रूफ किया है। अब हमारी ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ जो हमारी ये है कि ये हमारे पास आइगन फंक्शन है दो, साई वन और साई टू। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जो हर्मिशियन ऑपरेटर की जो डेफिनेशन की थी, वहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन होते हैं वो टू डिफरेंट वेव फंक्शन भी हम लेके चल सकते हैं और दो सेम वेव फंक्शन भी हम लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन बनेगी, इन दो इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई कराना है, ये मतलब ये गिवन है। और फिर उसके बाद अगर हमें इन्हें अगर ऑर्थोगोनल अगर प्रूव करना है, तो ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए हमें इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी शो करनी होगी कि साई वन साई टू जीरो हो जाए, साई वन साई टू स्टार जीरो हो जाए, साई वन साई स्टार जीरो हो जाए। तो अगर अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने आइगन फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने ये दोनों डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी, जो डेफिनेशन मेरी थी यहाँ पे ये दूसरी डेफिनेशन जो है, ये वाली डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि अगर दो वेव फंक्शंस अगर हमारे यहाँ पे अगर यूज होते हैं तो वो हमारा किस तरीके से बनेगा, कि जी स्टार ए एफ डी टाउ इज इक्वल टू एफ ए स्टार जी स्टार। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है कि दो वेव फंक्शंस है, दो डिफरेंट वेव फंक्शन अगर हमने लिए हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ये हमारा साई टू ए साई वन डी टाउ इज इक्वल टू साई वन ए स्टार साई टू स्टार डी टाउ, ये हो सकता है। या फिर हम इसको अगर ऐसे लिख दे डायरेक्टली, एफ ए जी डी टाउ इज इक्वल टू जी ए एफ डी टाउ, तो भी हमारा इसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, दोनों के दोनों ये वेव फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है? तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो हम इसी प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जब हमारे पास ये है, हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, तो ये कंडीशन चाहिए, तो हमें क्या चाहिए कि साई टू स्टार हमें कहीं से लेके आना है, ठीक है? तो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं इसको साई टू स्टार से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हमारा ए वन साई टू स्टार साई वन हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर दें इसको हम डायरेक्टली, दोनों साइड इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन भी हमें चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साई वन हमारा ये इधर आ जाएगा,
ये हमारा ए, क्योंकि यही चीज तो थी ना, वो प्रॉपर्टी जो मैंने पीछे भी आपको बताई थी। ठीक है, लास्ट में यही तो था ना, वो जो लिखा था अभी हमने, ये लिखा था यहाँ पे, ये देखो, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साई टू ए साई टू स्टार डी टाउ। ये चीज अगर हम इसको लिख सकते हैं तो यहां से हमारा क्या बनेगा, इसको मैं पेन चेंज करता हूँ इसको, ये देखो, अब हमें ये टर्म क्या हो जाएगी, ए यहां से इसको, ये अगर ए साई टू है तो हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको ये लिख देंगे ना कि साई वन ए टू स्टार, सॉरी ए टू स्टार नहीं लिखेंगे, पहले हम इसको नेक्स्ट दोबारा लिखते हैं इसको हम, ये हमारा साई वन ए ऑपरेटर है हमारा यहां पे, स्टार डी टाउ इज इक्वल टू ए वन साई टू स्टार डी टाउ। अब यहां से सेकेंड वेव फंक्शन के अगर आइगन वैल्यू, अगर हम आइगन वैल्यू इक्वेशन लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा साई वन ए टू साई टू स्टार डी टाउ ए वन साई टू स्टार डी टाउ। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टू स्टार साई टू स्टार डी टाउ। अब यहां से देखो आप, ए टू स्टार है, अभी पीछे हमने प्रॉपर्टी यूज की कि आइगन वैल्यूज है वो रियल होती है, तो ए टू स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू लिख देंगे, और ए टू अगर आपका कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। अब अगर इसको अगर हम इस साइड लेके आए, माइनस इज इक्वल टू जीरो, और ये टर्म दोनों में से कॉमन है, तो ए टू माइनस ए वन साई टू स्टार डी टाउ इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से इन दोनों टर्म के मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो यहां से मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे कि आइदर दिस इक्वल टू जीरो और आइदर दिस इक्वल टू जीरो, ये वाले टर्म। अब यहां से आप देखो, अगर ये टर्म अगर जीरो है तो ए टू इज इक्वल टू ए वन होगा, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें ये दिया है कि टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज मीन्स ए टू नॉट इक्वल टू ए वन, तो ए टू नॉट इक्वल टू ए वन ये हमारा गिवन हो गया। तो हमारा केस क्या बच गया, ये वाला केस बच जाएगा कि ये वाली चीज है वो हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो देयर फॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साई वन साई टू स्टार डी टाउ इज इक्वल टू जीरो है, और ये जीरो होने का मतलब हो गया कि जो वेव फंक्शन हमारा है कि साई वन एंड साई टू आर ऑर्थोगोनल, कि साई वन और साई टू है वो हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल होगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास यहाँ से दो इम्पोर्टेंट बातें हमें याद रखनी है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मेशियन ऑपरेटर आर रियल, ऑलवेज रियल, वो पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, बट वो इमेजिनरी नहीं होगी, और सेकेंड टू डिफरेंट आइगन फंक्शंस एसोसिएटेड टू हर्मेशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमें अच्छे से याद रखना है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इन एमसीक्यू क्वेश्चन को हम, जब हमारा ये ऑपरेटर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तब हम कंप्लीट करेंगे। तो ऑपरेटर वाले पार्ट के अंदर हमने बेसिक ऑपरेटर कर लिया, हमने क्या क्या होता है, हमने
लीनियर ऑपरेटर्स कर लिए, हर्मिशियन ऑपरेटर भी हमने कर लिया। अब हमारा जो एक और जो इम्पोर्टेंट बचता है वो बचता है हमारा कोम्यूटेटर। अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे कोम्यूटेटर करेंगे, और कोम्यूटेटर के बाद हमारा ऑपरेटर का पोर्शन खत्म होगा। फिर उसके बाद हम ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गेट नेट और जैम के अंदर आए हुए हैं, या फिर अदर पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए हैं, वहां से हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।